दोस्तों नमस्कार, एक्सेस में जॉब्स के एक फ्रेश वीडियो में स्वागत है। दोस्तों लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनरों के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, चाहे पेंशनर हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में पता लग सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिले। और जैसा कि दोस्तों आप लोग इस सीरीज में देख पा रहे होंगे, 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में पूर्व सैनिकों और पेंशनरों के लिए घोषणाओं के बारे में जो सब्जेक्ट रखा गया है उसमें देख सकते हैं। दोस्तों दूर दराज के जो पूर्व सैनिक हैं और पेंशनर हैं उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव होता है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि गरीब अनुदान 65 वर्ष और उससे ऊपर हौलदार रैंक तक के गैर पेंशनर्स को दी जाती है, 4000 रुपये प्रति माह आजीवन दी जाती है। दूसरा शिक्षा अनुदान, पहले जन्मे 2 बच्चों तक, लड़के लड़कियों को स्नातक तक, विधवाओं को स्नातकोत्तर तक, पेंशनभोगी और गैर पेंशनभोगियों को हौलदार रैंक तक 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। उसके बाद अफसर कैडर अनुदान, केवल NDA कैडरों के लिए हौलदार रैंक तक के पेंशनर और गैर पेंशनरों को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों निःशक्त बच्चों के अनुदान, निःशक्तता 100% यदि कोई अपंग है, हौलदार रैंक तक पेंशनर गैर पेंशनर के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों गृह मरम्मत अनुदान दिया जाता है, हौलदार रैंक तक पेंशनर और गैर पेंशनर 100% निःशक्त, ESM अनाथ बच्चों सभी रैंक के लिए 20000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बेटी की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है, 2 बेटियों तक हौलदार रैंक तक पेंशनर और गैर पेंशनर के लिए, विधवा पुनर्विवाह अनुदान हौलदार रैंक तक पेंशनर और गैर पेंशनर के लिए 50000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अंत्येष्ट अनुदान दिया जाता है, हौलदार रैंक तक पेंशनर और गैर पेंशनर के लिए 5000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद चिकित्सा उपचार अनुदान, हौलदार रैंक तक पेंशनर और गैर पेंशनर के लिए 30000 रुपये अधिकतम दिया जाता है। अनाथ अनुदान, सभी रैंकों के पेंशनर गैर पेंशनर के लिए, भूतपूर्व सैनिकों की बेटियों को उनकी शादी होने तक, भूतपूर्व सैनिकों के एक बेटे को 21 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान है, हौलदार रैंक तक पेंशनर गैर पेंशनर के लिए 20000 रुपये एक बार दिया जाता है। उसके बाद निःशक्त ESM सेवानिवृत्ति के पश्चात के लिए मोबाइल उपकरण, ESM जो सेवा के पश्चात निःशक्त हैं और जिनकी निःशक्तता 50% या से अधिक और जो AG शाखा RNW खंड सेरेमोनियम और कल्याण निदेशालय सेना मुख्यालयों अर्थात नौसेना और वायुसेना के स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं है उनको यहाँ पे 57500 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों होम लोन पर सब्सिडी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध पीड़ित, युद्ध में निःशक्त हुए और शांति के समय कैजुअल्टी को घर के निर्माण हेतु बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से होम लोन पर सब्सिडी के रूप में 1 लाख रुपये अधिकतम के ब्याज के 50% के प्रतिपूर्ति करता है। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान योग्यता के आधार पर पात्र प्रतिपादकों को कुल 5500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। युद्ध विधवाओं, युद्ध में निःशक्त हुए सैनिकों के बालियों को प्राथमिकता दी जाती है। छात्रवृत्ति की दर इस प्रकार दोस्तों लड़कों के लिए 25000 प्रति माह और लड़कियों के लिए 30000 रुपये प्रति माह दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों सभी रैंक के गैर पेंशनर्स ESM के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि के गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान दिया जाता है। नीचे इसकी सूची दी गई है जैसे कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, CABG, ओपन हार्ट सर्जरी, बाल्ब रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, रेनल इम्प्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रम स्ट्रोक के लिए अफसर और PBOR को क्रमशः व्यय का 50% और 90% 1,25,000 तक अधिकतम दिया जाता है। दोस्तों उसके अलावा डायलिसिस एवं कैंसर उपचार के लिए अफसर और PBOR को क्रमशः व्यय 75% और 90% अधिकतम 75000 रुपये प्रतिवर्ष तक दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों और भी भूतपूर्व सैनिकों को बहुत कुछ दिया जाता है जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया जाता है। वीरता के लिए
पुरस्कार दिया जाता है, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि किस किस को कितना मिलता है। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हो और इसको पूरा देख सकते हो। इसलिए दोस्तों इतना ही, चैनल मेरी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।